हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं रेट मेजर। ये क्वेरीज हमें भेजा है जितेंद्र जी ने फ्रॉम भद्रक उड़ीसा। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी एंड द एक्सीलरेशन एट द एंड ऑफ 2 सेकंड फॉर द फॉलोइंग। अब एक आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि s इज इक्वल टू, यहां पर s क्या डिनोट करता है? s डिनोट करता है पोजीशन या फिर डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है एट द एंड ऑफ 2 सेकंड्स। तो एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपको पोजीशन दी है, मतलब आपको डिस्टेंस प्रोवाइड किया गया है जिसको s से डिनोट करते हैं छोटे, अगर मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो पोजीशन आपको दिया होता है अगर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें तो उसी बात को हम बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, मान लीजिए इसे v से मानते हैं तो v कितना आ गया मेरा, v आ गया मेरे पास ds / dt। जो पोजीशन हमें गिवन होती है, जो पोजीशन हमें गिवन होती है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना ही हमें बोलता है वेलोसिटी, और वो भी किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। आप समझ लीजिए कि आपके पास v आ गया, ठीक है। अब मैं v को फिर से डिफरेंशिएट करूं t के रिस्पेक्ट में, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इसी बात को बोलते हैं हम एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पोजीशन को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करें तो वेलोसिटी कहलाता है, और अगर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव करें तो एक्सीलरेशन कहलाता है। बस यही लॉजिक मुझे अपने क्वेश्चन में लगाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पोजीशन मुझे दिया हुआ है तो मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव करूं इसका टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी निकल आएगा। चलिए ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं। 2 बार टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t प्लस 3 बार टी का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट है, अकेला लिखा डेरिवेटिव 0। और ध्यान रखिएगा सारे डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में होंगे। ठीक है, तो कितना आ गया आपका ds / dt, ये आपके पास आ गया 4t + 3। और मैंने भी क्या बताया था कि पोजीशन का अगर टाइम के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव हो रहा है तो इसी बात को आप बोलते हो वेलोसिटी। ठीक है, जिसको मान लीजिए v से डिनोट करते हैं। तो ये लीजिए आपकी वेलोसिटी तो आ गई है ना, फाइंड द वेलोसिटी, लेकिन एट द एंड ऑफ 2 सेकंड्स। तो क्या करें, ds / dt एट द एंड ऑफ 2 सेकंड एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकंड। तो टाइम को 2 पुट कर दें, मतलब t जहां जहां दिख रहा है वहां 2 पुट कर दें। तो देख कितना आ गया, 4 2 8 8 और 3 11 11। अब ये निकाल क्या रहे हम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, पोजीशन अपॉन टाइम। तो हमें कोई यूनिट तो दी नहीं है पोजीशन की, तो नहीं दी तो 11 यूनिट्स अपॉन टाइम। तो अपॉन टाइम, टाइम की यूनिट क्या दिया मेरे को, सेकंड्स दिया हुआ है। तो कितना आ गया आंसर आपका, आपका आंसर आ गया ds / dt इज इक्वल टू 11 यूनिट्स पर सेकंड। ठीक है, अब ये समझिए कि ds / dt तो v होता है, तो देखो v कितना हो गया फिर आपके पास, v हो गया 4t + 3 4t + 3 आगे वेलोसिटी। अगर मैं वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करूं तो कहलाएगी फिर एक्सीलरेशन। तो चलिए वही करते हैं, तो dv / dt इज इक्वल टू 4 बाहर t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 प्लस, अब 3 कांस्टेंट है, अकेला लिखा है डेरिवेटिव 0। तो व्हाट इज dv / dt, ये हो गया 4। अब इसकी यूनिट कैसे लगाऊं, निकाल तो एक्सीलरेशन रहे हैं और एक्सीलरेशन का यूनिट होता है यूनिट स्क्वायर पर टाइम। अब यूनिट तो यहां कुछ गिवन नहीं है, तो यहां तो यूनिट स्क्वायर ही लिखना पड़ेगा अपॉन टाइम। टाइम पता है सेकंड्स में दिया हुआ है, ये लीजिए, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो एक्सीलरेशन। और dv / dt एट द एंड ऑफ 2 सेकंड ही निकालना है, तो t इज इक्वल टू 2। लेकिन दिक्कत है आपके जो एक्सप्रेशन है उसमें t तो बचा ही नहीं, 4 ही रह गया है। तो सिंपल सी बात है, कुछ पुट नहीं कर पाओगे, बस 4 ही आपका आंसर हो जाएगा और पीछे मेन यूनिट आपको फिर से लगानी है। कैसे, कि dv / dt एट t इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 4 यूनिट स्क्वायर पर सेकंड। हो गया क्वेश्चन, ध्यान इस चीज पर रखना है, ऐसा आपको गिवन है, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो वेलोसिटी आ जाएगा, फिर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपको गिवन हो गया, फिर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो एक्सीलरेशन आ जाएगा, क्वेश्चन फिनिश हो गया। लास्ट में एक चीज और गिवन है कि टाइम आपको 2 सेकंड डालना है, तो देखो जो आपने डिफरेंशिएट किया है उसमें टी की जगह 2 डालना है, यहां भी टी की जगह 2 डालना है, लेकिन दिक्कत है यहां तो डेरिवेटिव में टी गायब हो गया, तो कुछ नहीं कर सकते, जो आंसर है आपका वो ऐसे ही लिख दीजिए, लेकिन ये टी इज इक्वल टू 2 वाला स्टेप लिखना जरूरी है। ठीक है, तो क्वेश्चन फिनिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट लिख दिया है, बिल्कुल वही है कि s इज इक्वल टू 3 / 2t + 1 दिया है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालना है। जरा पहले इसको सही से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, s इज इक्वल टू 3 * 2t + 1 की पावर -1। अब करते हैं इसको डिफरेंशिएट, पहला t के रिस्पेक्ट में ds / dt, तो 3 कांस्टेंट तो बाहर हो गया,
लगाइए टी की पावर एन का फॉर्मूला, तो डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ टी की पावर एन, तो क्या होगा एन टी की पावर एन माइनस वन, ठीक है। चलिए तो एन इंटू टी की पावर एन माइनस वन, लेकिन नियम क्या कहता है कि अगर आप टी की पावर एन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा रहे हो तो टी की जगह टी और एन की जगह एक न्यूमरल होना चाहिए। तो देखो एन की जगह तो न्यूमरल ही लिखा है, लेकिन टी की जगह टी का लिखा है तो टू टी प्लस वन लिखा है, तो फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और इस बात को हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं चेन रूल। आगे देखिए ये हो गया आपका माइनस थ्री और ये हो गया माइनस टू है ना, तो नीचे आ जाएगा तो टू टी प्लस वन की पावर प्लस टू इन टू, चलिए डेरिवेटिव करते हैं टू टी प्लस वन का। टू कॉन्स्टेंट है, किसी के साथ आया बाहर हो गया, और जिसके साथ आया उसका डेरिवेटिव वन, टी का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में वन ही होता है, प्लस वन, वन का डेरिवेटिव जीरो क्योंकि कॉन्स्टेंट है, अकेला लिखा है, डेरिवेटिव जीरो हो गया। अब जरा प्रॉपरली लिख लेते हैं, डीएस अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस का सिक्स अपॉन टू टी प्लस वन का होल स्क्वायर। यूनिट लगाइए, निकाल क्या रहे हैं, वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना, तो यूनिट पर सेकेंड, क्योंकि आपको यहां पर डिस्टेंस की कोई यूनिट तो दी नहीं है, तो यूनिट्स पर सेकेंड। फिर बात वही कि टाइम आपको एट द एंड ऑफ, फिर वही कि आपको टाइम दिया है दो सेकेंड का, तो फिर वही कि डीएस अपॉन डी टी एट टी इज इक्वल टू टू, तो जहां जहां आपको टी दिख रहा है वहां टू पुट कर दीजिए। तो देखो टू टू फोर, फोर प्लस वन फाइव, फाइव का स्क्वायर इज ट्वेंटी फाइव, तो वेलोसिटी आ गई आपकी माइनस सिक्स अपॉन ट्वेंटी फाइव यूनिट्स पर सेकेंड। ये लीजिए क्लियर हो गया। अब ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास डीएस अपॉन डीटी, यही आपका वी होता है, तो चलिए वी को डायरेक्टली क्या लिख लेते हैं, हम वी को डायरेक्टली लिख लेते हैं हम क्या, माइनस सिक्स अपॉन टू टी प्लस वन का होल स्क्वायर, और इसको एक रिप्रेजेंटेशन और देते हैं, माइनस सिक्स इंटू टू टी प्लस वन की पावर माइनस टू, क्यों, वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी का डेरिवेटिव करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, पीछे वाले क्वेश्चन में भी यही किया था। चलिए dv by dt करते हैं, माइनस सिक्स बार, फिर वही t की पावर n का डेरिवेटिव, तो n इंटू टी की पावर n माइनस वन, लेकिन t की पावर n में क्या होता है था, t की जगह t और n की जगह न्यूमरल होना चाहिए, देखो तो n की जगह तो एक न्यूमरल ही लिखा है, t का लिखा है तो 2t प्लस वन लिखा है, तो फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, लिखेंगे क्या d अपॉन dt 2t प्लस वन। अगला शब्द देखिए, ये हो गया आपके पास 12, पावर माइनस तीन आएगा ना, तो नीचे आ जाएगा ये, तो टू टी प्लस वन की होल पावर प्लस थ्री। चलिए अब टू टी वन, अब टू टी प्लस वन का डेरिवेटिव करते हैं, टू बाहर टी का डेरिवेटिव वन और वन का डेरिवेटिव जीरो, कितना आया फाइनल आंसर, डीवी अपॉन डीटी अपने पास 12 टू द 24 अपॉन टू टी प्लस वन की होल पावर थ्री। डेरिवेटिव तो पूरा हो गया, यूनिट्स कैसे लगाऊं, वेलोसिटी अपॉन टाइम है, एक्सीलरेशन है ना, तो यूनिट होती है यूनिट स्क्वायर पर सेकेंड, यूनिट स्क्वायर और पर सेकेंड, टाइम तो यहां भी दिया है आपको दो सेकेंड का, चलिए डालिए तो डीवी अपॉन डीटी एट टी इज इक्वल टू टू, तो जहां जहां आपको दिख रहा हो टी वहां क्या करें टू डाल दीजिए, तो टू टू द फोर प्लस वन फाइव, फाइव का क्यूब, तो फाइव का क्यूब इज 125 यूनिट स्क्वायर पर सेकेंड, और ये आपने क्या निकाल दिया, ये आपने निकाल दिया एक्सेलरेशन। ये लीजिए क्वेश्चन फिनिश हो गया, अगला पार्ट पढ़ते हैं इसका। चलिए क्वेश्चन का अगला पार्ट लिख दिया है, वही एक्सप्रेशन दिया हुआ है पोजीशन के फॉर्म में, ठीक है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है, तो चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, तो डीएस अपॉन डीटी और क्या निकल आएगा इससे, वेलोसिटी निकल आएगी, ठीक है। देखिए तो 3t स्क्वायर माइनस का 6 बाहर हो गया, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t प्लस 15 बाहर हो गया, t का डेरिवेटिव 1 और 12 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है ना, अकेला लिखा है डेरिवेटिव 0 ही होता है, तो डीएस अपॉन डीटी कितना आ गया अपने पास 3t स्क्वायर माइनस का 12t और प्लस का 15, और व्हाट इज जेएस अपॉन डीटी, क्या बोलते हैं उसको, वेलोसिटी बोलते हैं, v से डिनोट कर देते हैं, लेकिन टाइम दिया है 2 सेकंड का, वो भी निकालना पड़ेगा, तो ds अपॉन dt एट t इज इक्वल टू 2, तो जहां जहां t दिख रहा है वहां 2 डाल दीजिए, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू t और प्लस का 15। अब एक चीज देखो, ds अपॉन dt निकाल लिया था, तो यूनिट भी लिख दो यहां पर, वेलोसिटी तो होता है, तो आपको डिस्टेंस की कोई यूनिट तो दी नहीं है, तो लिख देंगे यूनिट पर सेकंड, क्योंकि टाइम की यूनिट आपको दी हुई है, ठीक है। चलिए मैंने t डाल दिया 2, अब कितना आया 3 इंटू
4 माइनस 24 और प्लस का 15, तो 12 माइनस का 24 और प्लस का 15, तो ये कितना हो गया 10, 20, 27, 27 माइनस 24 जो कि आ गया 3 यूनिट्स पर सेकेंड। तो ds अपॉन dt एट t इज इक्वल टू 2 का वैल्यू आ गया, जो कि क्या डिनोट कर रहा है आपको वेलोसिटी, पहला पार्ट आ गया। एक्सेलेरेशन निकालना, एक्सेलेरेशन के लिए क्या करना पड़ता है, जो आपका v है, अब v का एक्सप्रेशन ये है, इसको यूज करेंगे, तो v इज इक्वल टू 3t² माइनस का 20 और प्लस का 15। अगर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो एक्सेलेरेशन कहलाता है। तो dv / dt इज इक्वल टू 3 बार t² का डेरिवेटिव 2t माइनस 12 बार t का डेरिवेटिव 1 और 15 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो dv / dt कितना हो गया अपने पास, ये हो गया आपके पास 60 और माइनस का 12। अब वैसे आपका एक्सेलेरेशन तो आ गया, तो यूनिट लगाइए इसकी, वो क्या होती है यूनिट स्क्वायर पर सेकंड, ठीक। लेकिन आपको टाइम भी दिया हुआ है, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन तो है जो कि 2 सेकंड का है, चलिए डालिए। तो 6 × 2 माइनस का 12, 12 माइनस 12 0, यूनिट तो फिर भी लगानी पड़ेगी आपको, क्या यूनिट स्क्वायर और पर सेकंड। तो ये लीजिए हमारे तीनों क्वेश्चन इसमें फिनिश हो गए। करना क्या था, पोजीशन आपको दिया था, पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, वेलोसिटी आ गया, वो टाइम 2 सेकंड दिया था, लास्ट में मैंने पुट कर दिया, फिर वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को फिर से डिफरेंशिएट किया टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन आ गया, टाइम उसमें भी 2 सेकंड दिया हुआ था, पुट कर दिया। ये लीजिए तीनों क्वेश्चन फिनिश हो गए, वेलोसिटी भी निकला है, एक्सेलरेशन भी निकला है। लीजिए क्वेश्चन फिनिश करते हैं, वीडियो फिनिश करते हैं। अगर हमारे व्यूअर्स को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें। आपको अगर मैथ से जुड़ा कोई क्वेरी है किसी भी क्लास के लिए तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नीचे नंबर आ रहा है। आपका जो सोल्यूशन है मैं जल्दी से जल्दी देने का कोशिश करूंगा।